अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। और बस हम लोग खाना वाना खाने के बाद ना आ गए थे पार्क रामीन को लेकर, और यहाँ पे हम उसको राइड करवाएंगे। और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था, क्लाउडी क्लाउडी सा हो रहा था ना, तो हम लोगों ने सोचा कि अच्छा भी मौसम है और जो है आज वैसे छुट्टी का दिन था, तो फिर हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि ना अभी भी चल यहाँ जाएगा। आते हैं यहाँ आकर। और जो है जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग्स में दिखाया था कि यहाँ पे जो है टाइल्स चेंज हो रहे हैं और कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पे पार्क में ना, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर रहे हैं और ख़ूबसूरत बना रहे हैं, तो वो काम तकरीबन आधा हो चुका है और आधा चल रहा है। तो ये है कि इन्होंने, ये अच्छी बात है कि जो है ना इन्होंने ये जो बच्चों का प्ले एरिया है ना वो बंद नहीं किया है, तो इसीलिए फिर ये है कि ना हम लोग आ गए थे और यहाँ पे आकर रामीन को राइड करा रहे थे। और बहुत ही एक्साइटेड हो जाती हैं ये राइड्स कर करना, और स्पेशली स्विंग्स कर कर बड़ा मज़ा आता है इन्हें। और जब अच्छा मौसम होता है ना तो स्पेशली ये जो पार्क है ना यहाँ ये फुल हो जाता है। और जो है अच्छा यहाँ पे ना कैट्स बहुत ज़्यादा मुझे दिखती है इस वाले पार्क में। खैर यहाँ पे और भी बच्चे आए हुए थे और जो है खूब खेल रहे थे, तो मौसम क्योंकि इतना अच्छा हो रहा होता है ना तो सब अपने घर से निकलते हैं और बच्चों को भी निकालते हैं ताकि अच्छा वो भी खेलें और इंटरटेन हो। खैर यहाँ पे रामीन भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। अच्छा हमारा बनते बनते ना ये होता है कि प्लान वो हो जाता है, बनते बनते ही ख़त्म हो जाता है कि हमने सोचा था कि ना बारबेक्यू करेंगे लेकिन नहीं कर पाए। खैर वो नहीं कर सकते थे क्योंकि टाइम नहीं था। अच्छा इन्होंने बहुत ही सेलेक्टिव जो है राइड्स बनाई हुई हैं, लेकिन हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी राइड्स ना। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा था कि बारिश हो जाएगी लेकिन बारिश हो ही नहीं, मौसम ऐसा बन जाता कि बारिश होने वाली है लेकिन होती नहीं है। खैर यहाँ पे बाबा भी बैठ गए थे बच्चों वाली राइड्स पे और वो भी राइड ले रहे थे आज। और बस फिर हम निकल गए थे, कहीं हमें जाना था तो फिर हम वहाँ निकल गए थे। और ये जो मेट्रो स्टेशन है ना इस पे टेस्टिंग चल रही है, और जो है पता नहीं ये कब तक टेस्टिंग चलेगी ट्रेन की। हम लोग तो बहुत एक्साइटेड हैं कि ये कब ओपन होगा और जो है कब हम जो है यहाँ पे इसमें बैठेंगे। खैर आज मैं आप लोगों के साथ बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाह रही हूँ। और जो है जैसे कि आजकल डील्स चल रही है, हर प्लेन की ना डील्स चल रही हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ और सारे प्राइसिंग के साथ हर चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बल्कि मैंने आप थोड़े से ऐसी चीज़ें हैं जो कि जैसे लगेज का हो गया, टिकट का हो गया, डोमेस्टिक ये होता है ना इंटरनल डोमेस्टिक एयरलाइंस की भी चार्जेस बताएंगे, और जो है इंटरनेशनल एयरलाइंस के टिकट्स के जो रेंज है वो भी बताएंगे आपके साथ, वो भी शेयर करेंगे। तो ज़रूर देखिएगा मेरी पूरी वीडियो, और जो है बहुत ही डिटेलिंग वीडियो होगी, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। अब ये रात का वक्त है और जो है मैं हस्बैंड ने कहा कि जो है ना चाय बना लेते हैं क्योंकि आप लोगों के साथ डिटेलिंग भी शेयर करनी है, तो फिर मैंने भी थोड़े से कप में अपने लिए चाय ले ली थी। और बस अब स्टार्ट करते हैं। कितनी सस्ती डील्स आई हैं, डोमेस्टिक 79 रियाल की, इंटरनेशनल 129 फ्रॉम है। और ये देखो बहरीन की सिर्फ 239 रियाल, दुबई 219 रियाल, इस्तांबुल 259 रियाल, कायरो कैन यू इमेजिन, सी कराची 2599 260 में, ताइफ ये डोमेस्टिक आ गई 119 119, 208। अच्छा तो अगर हमें मार्च अप्रैल मई में जाना हो तो अभी से बुकिंग कर सकते हैं? अभी से बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन जो डेडिकेटेड डेज होते हैं ना
उसमें नहीं आता। अब जैसे सपोज देखो 3 दिन के अंदर अंदर आपने बुक करनी है। देखो ये यहाँ आए आप, ये देखें यहाँ पे प्राइसिंग अप्रैल से बढ़ गए क्योंकि ये रमज़ान ईद हॉलीडेज़ है ना। अच्छा, इससे पहले में अगर आप देखेंगी तो यहाँ आपको मिल जाएंगी फ्लाइट्स कम रेट में। सही है, यहाँ ये लिमिटेड रहती हैं, इसमें वीकेंड्स भी नहीं होते हैं। अब जैसे हम आते हैं, इन्होंने लगाई हुई है वन, और ये वन वे है। अब ये देखो कराची की 259, 260 समझ लो इतने की है। अब इस पे बुक पे आप क्लिक करेंगे तो ये हमें बता देगा किन डेज में जो है ना इस प्राइस पे आप बुक कर सकते हैं अप्रॉक्स इस प्राइस, क्योंकि ये जो है ना ये कुछ वेट के अलावा है प्राइस। तो ये फ्लाई डील्स पे ही चल रही है, फ्लाई नास पे चल रही है। ये फ्लाई नास पे भी चल रही है, फ्लाई डील्स पे भी चल रही है, दोनों में अलग अलग कैटेगरी है। अब ये जो वहाँ पे दिखा रहा था ना, ये बेस्ट प्राइस दिखा रहा था, मतलब इससे कम में आप कोई भी फ्लाइट नहीं होगी। देखो इधर आगे देखो, इधर भी ज़्यादा है, इधर भी। ये है ट्यूसडे की, मोस्टली ट्यूसडे को फ्लाइट्स जो है वो सस्ती होती हैं मोस्टली, ओवरऑल जब हम रेगुलर डेज में भी करते हैं। और ये जो वन डे है ना, 3 आवर्स 10 मिनट की फ़्लाइट है रियाद टू कराची डायरेक्ट, डायरेक्ट में इसमें वन है, टोटल 2 फ्लाइट हैं इस रेट में। और दूसरी जो है वो है 9 आवर्स की, क्योंकि वो कनेक्टेड है, वन स्टॉप है। फ्लाइट डिटेल्स पे क्लिक करो, जद्दा है, यस रियाद टू जद्दा है, देन जद्दा टू रियाद है। सही, इसी तरह से अब ये वन वे है, रिटर्न की जब आप लेंगे ना, अच्छा, यानी रिटर्न सिर्फ के जाने की, सिर्फ आने का जाने के, आपको आने का आपको फुल पे करना पड़ेगा। सही। तो अप्रॉक्स वही हो जाती है, कभी ऐसे आपको 20% 10% डिस्काउंट में मिल रहा हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है नस्बता इसके। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जैसे ताइफ वाली पे ना, ताइफ का लें, या अगर हम इसको बैक आने में, ये देखो वो तो इंटरनेशनल देखी थी ना अभी, अभा की 119 की है। ताइफ की भी सेम प्राइस है, अभा पे क्लिक किया तो हमने। ये खाली डोमेस्टिक डोमेस्टिक फ्लाइट्स की हैं या है, इंटरनेशनल दोनों, कराची की जो थी वो इंटरनेशनल है, ये डोमेस्टिक। अब हम ये आ गए हैं अभा में ना, अभा की देख रहे हैं, देखें ये भी देखें आप वेनिसडे, और इधर जो बेस्ट प्राइस आ रहे हैं ना वो आ रहे हैं वेनिसडे के, ट्यूसडे और वेनिसडे, आगे पीछे इसमें फ्राइडे में भी सेम प्राइस आ रहे हैं, देखिए। सही, अब इसमें आपने फ्लाइट अगर बुक करनी है तो ये वन वे है, रिटर्न में आपको ये प्राइस नहीं मिलेंगे, सिर्फ वन टाइम में बुक कर सकते हैं। अच्छा, और एक चीज़ और है, ये जो फ्लाइट्स होती हैं ना ये बहुत लो बैगेज वाली होती हैं, इसमें अच्छा, कुछ में तो सिर्फ आपको 7 kg ही अलाउ होता है, मतलब हैंड कैरी बस, ये तो बहुत एक्स्ट्रा लगेज के लिए एक्स्ट्रा वो अमाउंट देना आपको पे पड़ता करना पड़ता है और वो बहुत कॉस्टली होता है, फिर है। अच्छा, पर केजी के हिसाब से होता है। देखो जैसा मैंने आपको पहले बताया ना फ्लाई नास का, आपने जो पहले जो डिटेलिंग दी है वो वो फ्लाई फ्लाई, नास की थी, ओके, और अच्छा। फ्लाई डील पे भी जो है ना ये स्टार्टिंग फ्रॉम 108 से है। इसमें भी देखो सेम पैकेजेस इन्होंने इस तरह से लगाए हुए थे, दमाम 158, रियाद इतनी, अच्छा, अबहा टू रियाद, ये भी स्पेसिफिक फ्लाइट्स होंगी। अब जैसे रियाद टू अबहा, तो वहाँ ये तो डोमेस्टिक का बता रहे हैं ना आप, इंटरनेशनल? इंटरनेशनल इधर नहीं आ रही हैं अभी तक तो, मुझे नज़र नहीं आ रही हैं, एक मिनट रुकिएगा, इंटरनेशनल नहीं नज़र आ रही हैं ये शायद डोमेस्टिक का है। इसमें जो है ना, जहाँ की ये ऑफर लगी हुई है ना वो यहाँ पे आ रही है। अब जैसे दमाम टू जद्दा, रियाद टू दुबई, ये है ना इंटरनेशनल भी है हाँ, इसमें, सही सही। सही, ये मिक्स है। अच्छा, रियाद कुछ यहाँ पे सस्ती हैं कुछ वहाँ पे, डोमेस्टिक जो है फ्लाई नास पे अच्छी हैं, फ्लाई नास पे अच्छी डील्स चल रही है। डोमेस्टिक जो है वो अच्छा, ज़्यादा सस्ती हैं नस्बतन यहाँ के। और इंटरनेशनल? इंटरनेशनल में भी जो है कुछ अप डाउन है, अब जैसे इन्होंने मिक्स करके दिया हुआ, कायरो का जो है 238, और अगर दूसरे पे आए हम तो इधर जाजान अबहा, मैंने इधर एक और भी देखी थी या दुबई टू रियाद,
228 सही, कायरो टू जद्दा 308। ये अच्छी ऑफर्स चल रही हैं इसकी, अभी व्यू मोर करके देखते हैं और कितनी आ रही हैं। हाँ देखो ना, रियाद टू इस्तांबुल 248, रियाद दमाम टू कायरो, लेकिन ये वन वे है। रिटर्न जब आप लेंगे तो फिर आपको कॉस्ट बढ़ जाएगी। और इसकी लगेज के क्या है प्रोसेस, मतलब लगेज का इसका इसमें अब कितना देते हैं ये हम चेक कर सकते हैं, पॉज कर दो। अच्छा आप जो पूछ रही थी ऑफर का ना, ऑफर में वेट कितना है, जैसे इसमें देखें 27 फेब को इनकी जो बेस्ट प्राइस आ रहे हैं, वेनसडे भी आ रहे हैं, 28 को भी आ रहे हैं। इसमें सपोज हमने कोई भी सेलेक्ट कर ली, इसको देखें आप, इसमें फ्लाई लाइट पिक एंड सेव, इसमें जो वेट है ना देखें, रिकमेंडेड दे रहा है आपको 120 रियाल का, और इसमें बैगेज दे रहा है 20 kg। दैट्स इनफ अगर आप जो है लोकल ट्रैवल कर रहे हैं वन में। इसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो इसमें ये आपको अपग्रेड करने का बोल रहा है, अगर आप 120 रियाल एक्स्ट्रा पे करते हैं तो ये अपग्रेड हो जाएगी, और नो थैंक्स करते हैं तो सेम वही रहेगी फ्लाइट। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी, सो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।